हूँ जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है कि वहाँ हर बार किसी न किसी खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। कबड्डी प्लेयर की यदि बात करते हैं, इसमें हमारे साथ अनिल जमोला मौजूद है। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के शेर के नाम से जाने जाते हैं, जबरदस्त कैच मारते हैं भाई साहब। अनिल भाई सबसे पहले राम राम। राम राम भाई साहब, कैसे हो अनिल भाई? ठीक है भाई। सारे भाई पलवाना राम राम भाई, और ठीक ठाक हो पलवान जी? ठीक है भाई साहब। तो रियल में कहीं ना कहीं अपने यदि हरियाणा की यदि बात करते हैं, पूरे विश्व में नाम रोशन करने का कार्य किया अनिल भाई ने। और कहते ना देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। रियल में भाई गबरू जवाना की बात करा, मतलब ठाडे ठाडे लड़कियां की बात करा, भीम जैसे बाहुबली की बात करा, तो अनिल भाई और ने इस टाइम पर भी जब कबड्डी की जो मैच आप सर्च करके देखोगे तो इनके कैच देखो जबरदस्त तरीके से। भाई साहब गांव कौन सा आपका? जमोला भाई साहब। जमोला गांव। हाँ। तो पारिवारिक माता पिता क्या काम करें भाई साहब आपके? खेती करें भाई साहब, खेती बाड़ी। हाँ। तो कब से स्टार्ट किया आपने जैसे कबड्डी खेलना? 2005 में शुरू कर था भाई साहब। 2005 में। हाँ। तो जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, कोई राजनीति में जाता है, कोई कुश्ती की लाइन में जाता है, कोई कबड्डी खेलता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला होता है। कोई किसी का पिता होता है भाई, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, कोई यार दोस्त सिखाता है। आपके प्रेरणा स्रोत, आपके मार्गदर्शन करने वाले कौन है कबड्डी के इस क्षेत्र में? कबड्डी शुरू तो भाई शौक लग गया था, गाँव के जो पुराने प्लेयर थे उन्होंने देख के, और जो मार्गदर्शक जिसने सिखाई थी कबड्डी, हमारे गुरु जी हैं रविंद्र जी, जो भी हमारी प्रैक्टिस कराए हैं। बिल्कुल। और सहयोग घर क्या का है सबसे ज्यादा मेरी माँ का सहयोग है। जब किसी भी फील्ड में जब हम रविंद्र जी का तो हमने इंटरव्यू भी किया था पहले भी, रविंद्र जी जो सरकारी स्कूल में टीचर भी हैं। तो अनिल जी जब किसी भी क्षेत्र के अंदर जब हम कार्य करते हैं तो कोई ना कोई काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप यदि कबड्डी की बात करते हैं, काफ़ी क्या होता है कि यदि काफ़ी बातें निकल करके आती हैं भाई, कोई तो कहता है भाई नशा करते हैं, कोई डोज लगाता है, कोई इंजेक्शन लगा कर कबड्डी खेलता है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जब इस तरह की जो टिप्पणियाँ होती हैं, काफ़ी प्लेयर होते हैं लेकिन वो दो चार साल पाँच साल तो खेलते हैं लेकिन उसके बाद जो उनका जो शरीर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके बारे में क्या विचार आपके? नशा है भाई साहब इतना नहीं है जो बात चला रहे हैं, है थोड़ा मोटा, बाकी एक प्लेयर की उस तो सारे बदनाम हो गया है जी। ये रेफरी हैं ये भी कह दें नशा करे हैं नू करे हैं, ये कहने की बात है इन्हें, और कि मैं बात पाती नहीं, वह बात कर रहा भाई साहब कि मैं काम में नहीं लिया, थोड़ा रोई लिया और वह और बात पाती नहीं, नशा वाली बात उठा दे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सब कबड्डी वाले नशा करे हैं, है कुछ कर देंगे थोड़ा मोटा, बाकी नशा करके तो चल रहे कौन सा भाई साहब, खेलना तो दूर की बात है। बिल्कुल। ये तो कहने की बात है कि नशा करके खेलना। बिल्कुल। तो अनिल भाई अभी क्या प्लानिंग है आपकी आगे की, और कहां कहां तक अभी तक जैसे आप खेले हैं, कहां कहां तक खेले हैं आप अभी? मैं नेशनल खेल रहा हूँ भाई साहब एक, और बस अपना हरियाणा में खेल रहा हूँ, एक बार मलेशिया गया था। तो आपके गांव से टोटल कितने कबड्डी के स्टार निकले हैं? जैसे काफ़ी खुशी होती होगी भाई, क्योंकि जो अपना जो जुलाना विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करते हैं ये काफ़ी पिछड़ा हुआ होता है, लेकिन यहीं से हमें जब हमारे गांव से ही दो तीन और पहलवान जब निकलते हैं तो आपस में प्रैक्टिस करने में भी आनंद महसूस होता है। तो कितने क्या प्लेयर आपके गाँव से? गाँव में पुराने थे भाई साहब, तगड़े प्लेयर थे मारते भी, फिर उसके बाद और आगे, फिर उनके बाद मामा आगे, फिर मारे बाद डलडा आ गया, मितड़ा आ गया, शुद्ध आ गया, दाना आ गया, ये भी आ रहे हैं भाई साहब। रेगुलर आप इतने साल से जब लगातार खेलते आ रहे हैं तो सरकार की तरफ से भी, क्योंकि काफ़ी हमने देखे हैं जिस प्रकार से गीता फोगाट, बबीता फोगाट की यदि बात करते हैं, योगेश्वर दत्त की है, वो भी हरियाणा पुलिस में जिस प्रकार सीधी नौकरी मिली उनको भी, जब आपने पूरे भारत का नाम रोशन किया है कबड्डी के क्षेत्र में, तो हरियाणा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से क्या सहायता मिली? कोई नौकरी वगैरह मिली है फिर अभी तक? नौकरी तो नहीं मिली है भाई साहब। जो योगेश्वर दत्त है ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं जी। जो सर्कल कबड्डी है या ग्रामीण है, हरियाणा पंजाब में है, बाहर नहीं है, इस करके ज़्यादा नौकरी नहीं मिलती। तो हम सरकार तो यह अपील करा हाँ भाई, सर्कल कबड्डी को बढ़ावा दो, और जो सरकारी नौकरी दो पुलिस में या जो महकमा है, रोडवेज है, बिजली विभाग है, उन्होंने भर्ती करो प्लेयर ने। बिल्कुल। पहले जी जो कई बार देखा हमने, कोई ट्रैक्टर जीतता है, कोई मोटरसाइकिल जीतता है, कोई कुछ जीते, इनाम जो होते हैं, आपने कितने ट्रैक्टर मोटरसाइकिल वगैरह, कोई आपने इनाम कितने जीते हैं अभी तक? मन्ना मोटरसाइकिल जीती है भाई साहब, 24 मोटरसाइकिल, 24 मोटरसाइकिल जीते हैं। हाँ। तो कहाँ पंजाब में या हरियाणा में, कहाँ कहाँ? हरियाणा में जीती है मैंने सारी भाई साहब। अच्छा, तो अभी जिस प्रकार से गर्मियों का जो सीजन चल रहा है, अभी क्या प्लानिंग आपकी, जैसे रेस्ट कर रहे हो तो अभी क्या प्लानिंग आगे की?
ईब तो ऑफ सीजन है भाई साहब, मैच बंद है, ईब अपना प्रैक्टिस करा है, मैच होंगे जब मैच खेलेंगे। बिल्कुल पहलवान जी, अपने जो हरियाणा की यदि बात करते हैं, अपने जिस प्रकार से मैंने जैसे पहले भी नशे की बात की थी, लेकिन जो युवा जो पीढ़ी है वो ज़्यादातर नशे की तरफ बढ़ रही है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, लेकिन अपना हरियाणा है, आपने पता ही है कि पूरे विश्व के अंदर कुश्ती के अंदर कबड्डी के अंदर पूरा नाम किया अपने हरियाणा ने, लेकिन काफ़ी जो युवा साथी अभी जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, नशे की जो तरफ अग्रसर हो रहे हैं, खास तौर पर उनको उनको क्या संदेश देंगे आप नशे की तरफ जो जा रहे हैं? जो युवा पीढ़ी है उन संदेश है भाई साहब, नशा ना करो, अपना मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो या खेल करो तो अच्छी मेहनत करो, अच्छा बढ़िया खाना खाओ, देसी खुराक खाओ अपनी। बिल्कुल ठीक है, लड़के हैं भाई पहलवान बनने का प्रयास करें, लेकिन एक शॉर्टकट विधि अपनाते हैं भाई, पहलवान बनना एक साल दो साल तो मेहनत कर रहे हैं, फिर उनके जो आत्मविश्वास मनोबल नहीं हो कमजोर हो जाए, कई बार उन सोचना भाई हम नहीं बन पाते पहलवान, उनने क्या कहोगे जो शॉर्टकट विधि अपनावा है? भाई साहब कामयाब होने खातर शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत घनी मेहनत करनी पड़ेगी जब कामयाबी मिला है, और इसका शॉर्टकट कोई भी रास्ता नहीं है, शॉर्टकट का तो है ही नहीं। कई साल में पता चल जाए भाई प्रैक्टिस करने तय, कई जो तो एक टाइमिंग बांध है भाई, साल दो साल तीन साल, लेकिन हम ग्राउंड मीडिया की तरफ से हम बार बार कहो हाँ भाई, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी टाइम सीमित ना करो भाई, साल दो साल, कई बार किसी ने पाँच साल में कामयाबी मिले, कई बार किसी ने सात साल में मिले, किसी ने कई बार दस साल में मिले भाई, कई बार एक साल में मिल जाए किसी ने, या किस्मत की बात है भाई साहब, को मेहनत बहुत गणी करण लग रहा है, कंपटीशन आवे जब उसका चोट लग जा तो कंपटीशन तो दूर हो जा, कामयाब नहीं होता, ये किस्मत की बात है भाई साहब, फिर शॉर्टकट कोई भी रास्ता नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कामयाब होने का। बिल्कुल पहलवान जी, किसी भी लाइन में जावा हाँ पाजुक राग मौका देने से पहले कई बार क्या हुआ, कई टांग खिंचनी पावा तले तले, अग भाई इस नागर नू कदे नू बढ़ जाए, कदे नू बढ़ जाए, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया है इस आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं? सहयोग मेरे परिवार ने सारे सहयोग कराया है भाई साहब, और फिर मेरे गुरु जी हैं, बार बार समझाते ये करो, मेहनत करनी है, नाम कमाना अपना, बस ये बात सुन के लागे रहे मामा और मेहनत करिए। आज इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, आज कैसा महसूस करते हैं जब, क्योंकि अभी तो आपने आगे की क्या प्लानिंग आपकी भाई, जिस प्रकार से अभी भी पूरा देश आपको जानता है भाई, आगे क्या करना है भाई, अपने देश का नाम पूरे विश्व में और अच्छा करना, कुछ और तैयारी करनी है, कहाँ अपने आप की कहाँ कमी मानते हैं आप अभी भी, भाई मेरे अंदर अभी तक वो कमी है, मैंने उस कमी को दूर करना है और पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर अपने नाम को फिर चमकाना है एक बार अच्छे से। और कमी तो भाई साहब मेहनत कम करिए एक दो साल तो वह कमी दूर करनी है, मेहनत घनी करनी है। क्या कारण रहा था अनिल भाई एक दो साल आप मेहनत कम करी आपने? बस बीमार हो गया था भाई साहब तो इस करके कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया प्रैक्टिस का, इस करके कम हो गई। चलो अनिल भाई, अभी आप रेगुलर लगे रहो, क्या आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को नौजवानों को लास्ट में आप क्या आप संदेश छोड़ेंगे? संदेश यो है भाई साहब, नशे पता तो दूर रहो, अपना जी लागे मेहनत करो, बढ़िया खुराक खाओ। बिल्कुल, तो भैया थे हमारे साथ हरियाणा के जो स्टार हैं कबड्डी पहलवान अनिल जमोला, जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर दूध दही का खाना जो ओरिजिनल जो उदाहरण होता है आप सभी के सामने रखा था, और इनकी जब आप जबरदस्त जो कैच देखेंगे ग्राउंड के ऊपर जाकर के, क्योंकि ग्राउंड मीडिया की जो टीम का उद्देश्य होता है हमेशा से हमें खास शिक्षित से रूबरू करवाते हैं, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अपने जो हरियाणा के जितने पहलवान इसी प्रकार से रेगुलर प्रैक्टिस ब्रह्मचारी बन करके करते रहें, और लास्ट में संदेश दिया कि नशे से दूर रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करें, और ग्राउंड मीडिया के जो नेक्स्ट कार्यक्रम फिर हम किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी हमारे युवा कबड्डी पहलवानी का मनोबल, इनका आत्मविश्वास इनका मजबूत बनता रहे, और जागरूकता समाज के अंदर खेलों के प्रति जितने भी जो युवा साथी हैं, हरियाणा की बात करें या पूरे देश की बात करें, युवाओं के अंदर छोटे छोटे बच्चों के अंदर आने वाली जो संतानें हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक मोटिवेटिंग उदाहरण बनकर के जो युवा पहलवान है इन सभी के सामने का चरित्र का अनुसरण किया जाए। तो ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र जुलाना से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।